In this video, we will learn about different orders of soil and their characteristic. Okay, so in modern soil classification, there are 6 categories. So first is order. Okay, order is the highest category. आपको ये सब order याद होना है, ठीक है? तो order के बाद है sub order. Order कितने हैं? 12. And sub order कितने हैं? 63. Sub order के बाद आता है grade group, sub group, family and series. Means series is the smallest unit, most specific and lowest category. Okay, series is the lowest category. So अगर आपसे पूछा जाए what is the smallest unit of soil classification, it is soil series. Okay, अब अगर आपको soil orders का जो है सारे orders आपको याद करने हैं, उसके लिए एक ट्रिक है. A VAGAMI HOUSE मीन्स A VAGAMI HOUSE 12 लेटर है इसमें. मीन्स 12 ऑर्डर होते हैं soil order. ओके, सो A मतलब Alfisols, V मीन्स Vertisols, it is Vertisols, and Andisols, Gelisols, Aridisols, Mollisols, Inceptisols, Histosols, Oxisols, Ultisols, Spodosols and Entisols. Okay, so Inceptisol is the largest soil order, means most abundant soil. Okay, so 20% of total soil is Inceptisol in the world, and Entisol is the second most abundant order. Okay, then so we will understand one by one. First is Inceptisols. Okay, so Inceptisols is derived from Latin word inceptum. Inceptum means beginning. मीन्स इट हैज़ मिनिमल हॉरिजन डेवलपमेंट. ओके, मीन्स आपको इसमें जो हॉराइजन में डेवलपमेंट नहीं मिलेगा कि ए हॉराइजन कौन सा है, बी कौन सा है, ज़्यादा इसमें डायग्नोस्टिक हॉराइजन आपको नहीं दिखेंगे. ये यंग इम्ब्रॉयनिक सॉइल है विथ फ्यू डायग्नोस्टिक हॉराइजन. ओके, मोर डेवलप्ड देन एंटीसोल्स बट लेस डेवलप्ड देन एनी अदर सोल्स सॉइल ऑर्डर्स. ओके, मीन्स एंटीसोल से तो ज़्यादा डेवलप है, लेकिन बाकी सारे ऑर्डर से ये कम डेवलप है. इट इज़ लार्जेस्ट सॉइल ऑर्डर इन द वर्ल्ड. ओके, no or little accumulation of clay or iron oxide or aluminium oxide or organic matter. Okay, or it is found in all over India except arid or hot region. Okay, इसमें ज़्यादा आपको देखने नहीं मिलेंगे, लेकिन ऑल ओवर इंडिया में ये आपको मिल सकता है क्योंकि मोस्ट एबंडेंट टाइप का ये सॉइल ऑर्डर है. नेक्स्ट है एंटीसोल्स. एंटीसोल्स में आपको कोई भी होराइजन आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा, सारा एक जैसा आपको दिख रहा है. ओके, डू नॉट सो एनी प्रोफाइल डेवलपमेंट अदर देन ए होराइजन. ए होराइजन आपको बस लगेगा कि ए होराइजन ही है. नो डायग्नोस्टिक होराइजन मीन्स इसमें कोई भी डायग्नोस्टिक होराइजन आपको नहीं देखने मिलेगा कि ए के बाद बी है, बी के बाद सी है. ठीक है, इट इज़ सेकेंड मोस्ट एबंडेंट सॉइल ऑर्डर एंड इट इज़ रिसेंट अंडर डेवलप्ड सॉइल्स. ओके, Entisols are commonly found at the site of recently deposited material like alluvium or in parent material resistant to weathering. जो parent material जिसमें weathering जल्दी नहीं हो. Okay, जैसे sand. Entisols also occur in areas where very dry or cold climate limits soil profile development. क्योंकि soil profile weathering कैसे possible है? Weathering के लिए आपको hot climate और थोड़ा वाटर का रिक्वायरमेंट होता है, टेम्परेचर का रिक्वायरमेंट होता है. तो यहाँ पे अगर कोल्ड और ड्राई क्लाइमेट है तो यहाँ पे सॉइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट अच्छी तरह से नहीं हो पाता है. सो इट इज़ आपको भी जनरली इसको याद रखना है कि नो डायग्नोस्टिक होराइजन अगर है तो वो एंटीसोल्स के अंदर आता है. ठीक है, अब है वर्टिसोल. वर्टिसोल इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड वर्टो मीन्स टर्न. वर्टिसोल्स आर क्ले रिच सॉइल. ओके, क्ले रिच सॉइल दैट shrink and swell with change in moisture content. Means alternate shrinkage and swelling आपको इसमें देखने को मिलेगा. Alternate shrinking and swelling causes self mulching. So expensive type of clay montmorillonite. Okay, इसमें जो है मोंटमोरिलो टाइप का clay आपको देखने को मिलेगा. ठीक है, extremely deep A horizon and no B horizon. इसमें जो A horizon होगा वो बहुत ज़्यादा deep होता है और B horizon नहीं के बराबर आपको देखने को मिलेगा. और गिलगाई फॉर्मेशन, अब इसके बारे में समझेंगे हम लोग. गिलगाई फॉर्मेशन क्या होता है? ओके, सो इट इज़ डीप ब्लैक और ब्लैक कॉटन सॉइल इन डेक्कन प्लेट्यू ऑफ इंडिया. ब्लैक कॉटन सॉइल जो है इसके अंदर ही आता है, इस सॉइल ऑर्डर के अंदर ही आता है. ओके, तो गिलगाई फॉर्मेशन के बारे में हम लोग देखते हैं. सो गिलगाई फॉर्मेशन, गिलगाई मैक्रो रिलीफ फॉर्म्स टू अल्टरनेट ड्राइंग एंड वेटिंग साइकिल ऑफ क्ले सॉइल. क्ले सॉइल जहाँ भी है वहाँ पे गिलगाई का फॉर्मेशन हो सकता है. क्या होता है कि ड्राई सीजन जब आता है, क्ले का क्ले सॉइल है, वहाँ पे क्ले रिज सॉइल है, ठीक है। वर्टिसोल में क्ले रिज होता है। तो ड्राई सीजन में क्या होता है कि कहीं भी ज़्यादा अगर क्ले होगा तो उसमें क्रैक्स का फॉर्मेशन होगा ड्राई सीजन में, ओके। ड्राई सीजन में क्रैक्स बन जाते हैं और क्या होता है कि डिफरेंट विंड एक्शन के कारण, एनिमल एक्शन के कारण सरफेस सॉइल जो है इस क्रैक्स में चले जाते हैं, ठीक है। सरफेस सॉइल इस क्रैक्स में चले जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब रेनी सीजन आता है, जब क्रैक्स में वाटर, वेट सीजन में क्या होता है, क्रैक्स में वाटर फील होता है, ठीक है। तो वाटर फील होने के कारण ये क्या होता है कि सॉइल का वॉल्यूम जो है बढ़ जाता है, सॉइल स्वेल कर जाता है। तो एक्सेसिव सॉइल प्रेशर के कारण, एक्सेसिव सॉइल प्रेशर के कारण जो एक्सेस सॉइल होता है वो ऐसे मूव करने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगता है तो क्या होता है कि कभी कभी जो है ये ऐसे प्रोट्रूड कर जाता है ये, ठीक है। मीन्स जो है क्या बोल सकते हैं कि कभी कभी जो है शॉर्ट पीरियड एफिमेरल लेग्स का भी फॉर्मेशन हो जाता है, जिसको कि गिलगई बोलते हैं, ठीक है। सो देन ऑक्सिसोल्स, ऑक्सिसोल्स डिराइव फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ऑक्साइड, ओके। ऑक्साइड मीन्स दे आर वेरी हाईली विदर्ड, ओके। आपको इसमें मेनली याद रखना है कि हाईली विदर्ड सॉइल है ये, दैट आर फाउंड प्राइमरली इन इंटर ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है, जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है। इट इज़ कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट वेदर्ड सॉइल, ठीक है, मोस्ट वेदर्ड कैटेगरी में आता है ये, और ह्यूमिड एरिया में जनरली देखने को मिलेगा। और रेड और येलोइस कलर का होता है क्योंकि इसमें जो है कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड, आयरन थर्ड, ठीक है। आयरन एंड एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की वजह से ये रेड और येलोइस कलर का दिखता है। और इसका फॉर्मेशन किस वजह से होता है, वेदरिंग, ह्यूमिफिकेशन एंड पीडोटर्बेशन ड्यू टू एनिमल्स, ओके। पीडोटर्बेशन, पीडोटर्बेशन का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल बिटवीन सॉइल होराइजन, ओके। पीडो मतलब होता है सॉइल, ठीक है। टर्बेशन का मतलब होता है चर्निंग, ठीक है, मिक्सिंग ऑफ सॉइल। तो पीडोटर्बेशन जो हो सकता है अगर एनिमल की वजह से होता है तो उसको बायोटर्बेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बायोटर्बेशन। और आगे भी देखेंगे हम लोग कि क्रायोटर्बेशन क्या होता है। तो ये बायोटर्बेशन एनिमल की वजह से हो रहा है, पीडोटर्बेशन, ठीक है। नेक्स्ट इज एल्फीसोल्स। एल्फीसोल्स मीन्स जो ALF, एल्फी है, एल्फी का मतलब होता है एल्यूमिनियम एंड आयरन, Fe, AL से एल्यूमिनियम, Fe से आयरन। इट इज़ फाउंड इन सेमी एरिड टू ह्यूमिड एरिया, टिपिकली अंडर अ हार्डवुड फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कवर जहाँ भी होगा, और सेमी एरिड टू ह्यूमिड एरिया में ये देखने को मिलेगा एल्फिसोल्स। इट इज़ क्ले इनरिच सबसॉइल, मॉडरेटली लीच्ड सॉइल, मतलब लीचिंग उतना ज़्यादा तो नहीं होता है लेकिन मॉडरेटली लीचिंग होता है, एंड हैव रिलेटिवली हाई नेटिव फर्टिलिटी। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर फूड एंड फाइबर प्रोडक्शन। सो एग्रीकल्चर के पर्पज़ से, फॉरेस्ट्री के पर्पज़ से ये जो सॉइल है अच्छा है, ठीक है, क्योंकि नेटिव फर्टिलिटी इसका ज़्यादा है। एक्सटेंसिव प्रोफाइल डेवलपमेंट, प्रोफाइल डेवलपमेंट आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ओके। विथ डिस्टिंक्ट क्ले एक्यूमुलेशन इन द सब सॉइल, सब सॉइल में क्ले का एक्यूमुलेशन देखने को मिलेगा, ओके। इट इज़ जनरली फर्टाइल विथ हाई बेस सेचुरेशन, ओके, मीनिंग कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम आर रिलेटिवली एबंडेंट। इट इज़ फाउंड मोस्टली इन लेटेराइट एंड रेड सॉइल एरियाज। नेक्स्ट इज हिस्टोसोल्स। हिस्टोसोल्स means it is derived from Greek word histos means tissue, okay, soil that are composed mainly of organic material। हिस्टोसोल में आपको मेनली याद रखना है कि इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल रिच होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर अगर रिच है तो बल्क डेंसिटी क्या होगा, लो होगा। जहाँ ऑर्गेनिक मैटर के एडिशन से क्या होता है, बल्क डेंसिटी जो होता है लो हो जाता है, लेस हो जाता है, तो इसलिए बल्क डेंसिटी इसका लेस है। और हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है ऑर्गेनिक मटेरियल के कारण क्या होता है, ज़्यादा होता है, मीन्स ड्रेनेज उतने अच्छे से नहीं हो पाता है, रिस्ट्रिक्टेड ड्रेनेज, ओके। सो इसको जो है कॉमनली क्या क्या बोल सकते हैं, बॉक्स, मोड्स, पिट्स एंड मक्स, डिफरेंट रीजन में इसको बहुत अलग अलग नाम से बोला जाता है। तो मोस्टली ये जो होता है क्या होता है, एसिडिक होता है, ठीक है, एसिडिक होता है। एंड मेनी आर वेरी डिफिशियंट इन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट, डिफिशियंट इन मेजर प्लांट न्यूट्रिएंट्स विच आर वॉस्ड अवे इन द कंसिस्टली मॉइस्ट सॉइल, लीचिंग हो जाता है, ओके। और क्या होता है कि इसमें जो है वेरी डिफिकल्ट टू कल्टिवेट, मतलब इसमें कल्टिवेशन आसान नहीं है क्योंकि कल्टिवेशन के लिए ड्रेनेज बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो इसका पुअर ड्रेनेज के कारण और लो केमिकल फर्टिलिटी के कारण ये कल्टिवेशन के लिए इतना अच्छा नहीं है। नेक्स्ट इज एरिडिसोल्स। एरिडिसोल्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड एरिडस मीन्स ड्राई, ठीक है, ड्राई मीन्स, और इसको डेजर्ट सॉइल भी बोला जाता है, आर कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग सॉइल ऑफ एरिड रीजन। एरिड रीजन का है नाम से ही पता चल रहा है, दैट एग्जिबिट्स सब सरफेस हॉराइजन डेवलपमेंट। ओके, दे आर कैरेक्टराइज बाई ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर, बींग ड्राई मोस्ट ऑफ द ईयर, आपको ये याद रखनी है, ठीक है। इस ऐसे तो नाम से ही पता चल रहा है एरिड मीन्स ड्राई रीजन में, मतलब मोस्ट ऑफ द ईयर ये जो ड्राई ही रहता है, ठीक है। एंड लिमिटेड लीचिंग, ज़्यादा लीचिंग नहीं होता है। एरिडिसोल कंटेन सब सरफेस होराइजन इन विच क्ले, कैल्शियम कार्बोनेट, सिलिका, सॉल्ट और जिप्सम एक्यूमुलेटेड। ओके, ये सब का एक्यूमुलेशन हो जाता है, तो सॉल्ट का जब एक्यूमुलेशन होगा तो उसको सेलेनाइजेशन बोलेंगे। ओके, और इस सॉइल में, इस टाइप के सॉइल ऑर्डर में क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत कम होता है, लो ऑर्गेनिक मैटर, और ड्राई रीजन है तो उसमें वेजिटेशन भी कम ही देखने को मिलेगा। बट लेकिन जो परमानेंट वेजिटेशन है जैसे कि कैक्टस हो गए, स्रब्स हो गए, ये सब वेल एडेप्टेड हैं, ठीक है। लेकिन वेजिटेशन अगर ऑल ओवर टोटल बोला जाए तो कम ही होगा। नेक्स्ट स्पोडोसोल्स। स्पोडोसोल्स इट इज़ डिराइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड स्पोडोस, ओके, means wood ash. Wood ash. These are acidic soils characterized by subsurface accumulation of humus. Okay, that is complex with aluminium and iron. So it is considered as problem soil. Problem soil इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसका productivity क्या है? कम है, और इसका texture coarse texture है और low nutrient status के कारण इसे जो है problem soil कहा जा रहा है। It is found in cold and humid areas. Next is Ultisols. Ultisols is derived from Latin word ultimus. Ultimus means last or ultimate. So ultimate मतलब कि because ultisols are supposed to be ultimate product of continuous weathering. Weathering का ultimate product माना जा रहा है इसे, इसीलिए इसको ultisols कहा जा रहा है, ultimate. Okay. So it is also known as red clay soil. रेड क्ले सॉइल बोला जा रहा है, और इसमें कैलकेरियस मटेरियल नहीं होता है, एनी वेयर विद इन द सॉइल कहीं नहीं मिलेगा कैलकेरियस मटेरियल। इट हैज़ लेस देन 10% वेदर मिनरल इन द एक्सट्रीम टॉप लेयर ऑफ सॉइल। इट हैज़ लेस देन 35% बेस सैचुरेशन थ्रू आउट द सॉइल एट इज ह्यूमिड टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन। अल्टीसोल्स जनरली कहाँ पाया जाता है? ह्यूमिड टेम्परेट और ट्रॉपिकल रीजन में। ओके, सो इसमें जो है काओलिनाइट जो है डोमिनेंट टाइप का मिनरल है, तो काओलिनाइट जो है इसका बियरिंग कैपेसिटी अच्छा होता है, और इसमें जो है श्रिंक स्वेल का प्रॉपर्टी उतना नहीं होता है काओलिनाइट में। सो इट इज़ ऑल्सो ऑफ रेड एंड येलो कलर ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ आयरन ऑक्साइड, ठीक है। रेड एंड येलो कलर का होता है आयरन ऑक्साइड के एक्यूमुलेशन के कारण, और ये क्वाइट एसिडिक होता है। एसिडिक मीन्स pH जो है 5 से लेस होगा। नेक्स्ट इज मोलिसोल्स। Mollisols derived from Latin word mollis. Mollis means soft. It's the soil of grassland ecosystem. ये mollisols generally कहाँ देखने को मिलेगा? Grassland ecosystem में। It is generally characterized by thick dark surface horizon. Means A horizon जो होगा इसका thick होगा। This fertile surface horizon known as mollic epipedon. तो mollic epipedon है, इसका characteristic है, ठीक है। Means जो है कि मॉलिक एपिपेडन किसको बोला जा रहा है? फर्टाइल सरफेस होराइजन। जो ए होराइजन है, ए होराइजन जो सरफेस होराइजन को बोल रहे हैं ए होराइजन, वो फर्टाइल है, जिसे कि मॉलिक एपिपेडन कहा जा रहा है। इट इज़ मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर, ठीक है। फर्टाइल सॉइल ऑर्डर, ये आपको याद रखना है कि जितने भी सॉइल ऑर्डर हैं सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिव किसे माना गया है? मोलिसोल्स को माना गया है। इट इज़ जनरली फाउंड इन सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड एरियाज, एंड पेरेंट मटीरियल इज़ बेस रिच। ओके, जिस मटेरियल से ये बने हैं, पेरेंट मटेरियल जो होते हैं वो बेस रिच होते हैं, मींस जो बेस सैचुरेशन होगा 50% से ज़्यादा होता है, एंड कैल्केरियस, और जो पेरेंट मटेरियल होगा वो कैल्केरियस भी होगा। तो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है? मेलेनाइजेशन, डिकम्पोजिशन, ह्यूमिफिकेशन एंड पेडोटर्बेशन। ओके, नेक्स्ट सॉइल ऑर्डर इज एंडिसोल्स। एंडिसोल्स इज जनरली फॉर्म्ड इन वोल्केनिक ऐश। आपको ये वर्ड आपको याद रखना है कि एंडिसोल जो होगा वोल्केनिक ऐश से प्रोडक्शन होता है, और इसमें जो है हाई प्रोपोर्शन ऑफ ग्लास आपको मिलेगा और एमोफस कोलाइड मटेरियल। ओके, ये मिलेंगे आपको। तो इट इज़ जनरली क्वाइट यंग। एंडिसोल टिपिकली आर वेल फर्टाइल, ये फर्टाइल होते हैं, सो सपोर्ट इंटेंसिव क्रॉपिंग, इसलिए ये इंटेंसिव क्रॉपिंग को सपोर्ट करते हैं क्योंकि फर्टाइल हैं। तो और भी जो है और भी क्रॉप को सपोर्ट कर रहे हैं, जैसे फ्रूट, मेज, टी, कॉफ़ी, टोबैको, ठीक है। और जो एंडीसोल्स है ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल फाउंड इन अंडमान निकोबार आइलैंड। अंडमान निकोबार आइलैंड में सबसे फर्टाइल सॉइल कौन माना गया है? एंडीसोल्स, ओके। एंड लास्ट इज गेलीसोल्स, ओके। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड चर्निंग सॉइल, ओके, चर्निंग सॉइल। और गेलीसोल्स इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड ग्लेयर, ग्लेयर मीन्स टू फ्रीज, मीन्स इट इज़ फाउंड इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट दैट कंटेन परमाफ्रोस्ट। परमाफ्रोस्ट का मतलब क्या होता है? परमाफ्रोस्ट इज एनी ग्राउंड दैट रिमेन्स कम्प्लीटली फ्रोजन फॉर एटलीस्ट 2 ईयर्स। मतलब कोई भी ग्राउंड जो एटलीस्ट 2 ईयर से जो है 2 साल से जो है वो कम्प्लीटली फ्रोजन है, उस एरिया को, उस ग्राउंड को क्या बोल रहे हैं? परमाफ्रोस्ट। तो जहाँ बहुत ज़्यादा कोल्ड क्लाइमेट होता है वहाँ जनरली ये सॉइल ऑर्डर, सॉइल देखने को मिलेगा। तो परमाफ्रोस्ट विद इन 2 मीटर ऑफ सरफेस। तो किस प्रोसेस से इसका फॉर्मेशन हो रहा है? प्रोसेस ऑफ क्रायोटर्बेशन। पहले हम लोगों ने पीडोटर्बेशन देखा था, बायोटर्बेशन भी होता है, अब है क्रायोटर्बेशन। क्रायो मतलब क्या होता है? फ्रीजिंग कोल्ड, बहुत ज़्यादा ठंडा। और क्रायोटर्बेशन का मतलब होता है कि मिक्सिंग ऑफ मटीरियल फ्रॉम वेरियस होराइजन ऑफ सॉइल डाउन टू बेड रॉक ड्यू टू फ्रीजिंग एंड थॉइंग। फ्रीजिंग एंड थॉइंग के कारण टर्बेशन हो रहा है, ओके, मिक्सिंग हो रहा है। सो क्रायोटर्बेशन दैट अकर्स फ्रॉम अल्टरनेट थॉइंग एंड फ्रीजिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गेलीसोल्स। तो क्रायोटर्बेशन जो है इसका कैरेक्टरिस्टिक है गेलीसोल्स का। तो गेलीसोल्स को क्रायोसोल्स से भी जानते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज क्रायोसोल्स। इट इज़ जनरली नॉट फाउंड इन इंडिया, ओके। थैंक यू एवरीवन।